साहब, खासदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनील तटकरे जी, एस आर कोहली जी, दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट वीरेंद्र सिंह जी, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, डेप्यूटी स्पीकर नागालैंड के एस टीओ जी, धीरज शर्मा जी, नवीन सिन्हा जी, संजय प्रजापति जी, देवयानी आसरा जी, नवीन सिन्हा जी, प्रमोद इंदिरा जी, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सम्मानीय सदस्य, सभी आके हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी मेरे भाइयों बहनों, आज मैं एक मीटिंग के लिए दिल्ली आना चाहता था। तो मुझे प्रफुल्ल पटेल साहब ने बताया कि आज हमने मीडिया के साथ एक दोपहर को लंच किया और मीडिया के बहुत से लोगों को प्रफुल्ल भाई ने उनके घर पर बुलाया था और बातें हुई और उसके बाद 3:30 बजे के बाद यहाँ आने का तय हुआ था। यहाँ आने के बाद आपने जो वेलकम हमारा सबका किया, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सभी का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। एक अच्छी तरह से वेलकम आप सबने किया है। अपनी पार्टी पूरे देश में कैसे बढ़ सकती है, कैसे हर स्टेट पे अपने विधायक चुन के आ सकते हैं, वहां की जो लोकल बॉडीज है वहां भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो यंग जनरेशन है, जो हमारी महिलाएं हैं, उनको भी वहां कैसा मौका हम दे सकते हैं, उसके बारे में हमने बहुत सोच विचार किया है। अभी आप सबको पता है कि बीच में महाराष्ट्र में असेंबली का चुनाव चालू था। पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त जितना अपने को सपोर्ट मिलना